हेलो फ्रेंड्स, वेदन कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अपने पिछले ही वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस पे, हमारा सेकंड वीडियो, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन शेयर करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने अभी हमारा वीडियो पहली बार देखना स्टार्ट किया है, वो पिछले वीडियोस को देख लें तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पास कंटिन्यूस अपडेट आती रहे। चलिए आज क्या हम देखते हैं, हमारा पहला वीडियो और पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 10 वर्ष पहले सीता की माँ की आयु सीता से 4 गुनी थी, यदि 10 वर्ष पहले सीता की माँ की आयु सीता से 4 गुनी थी और 10 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु सीता की आयु की दुगनी होगी, तो यह बताइए कि सीता की माँ की आयु और सीता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम डिटेलली देख लेते हैं। पहले आपसे बोला गया है 10 वर्ष पूर्व, तो मैंने आपको बताया ही था सबसे पहले आप मार्किंग करोगे 2018, क्योंकि यही आपको समझना है वर्तमान, मतलब एट प्रेजेंट। अब इससे आपको 10 साल पहले जाना है। भाई 2018 में से 2010 गए, 10 वर्ष पहले जाओगे तो कहाँ पर आओगे, 2008 में। और एक जगह बात की गई है 10 वर्ष बाद की, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 2008। ये हेल्प हमें बहुत करता है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं होता बाद में कि हमें कितना आगे या कितना पीछे जाना है, हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, अगर मैं सीता और उनकी माँ की आयु का बोलूँ तो कितना था, मतलब एस और एम का रेशियो था 1:4। 10 वर्ष बाद अगर मैं देखूँ तो 10 वर्ष बाद कब, भाई ये नहीं है यहाँ से 10 वर्ष बाद वर्तमान में पहुँच जाओगे, हम जो बात होगी ये कहाँ से होगी, वर्तमान से ही 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पर उनका रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया ये बताओ उनकी प्रेजेंट में एज क्या है। तो देखो, इसे दो तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। या तो मैं देखूँ, पहले देखो यहाँ पर, यहाँ तो मुझे चाहिए क्या आंसर्स, मुझे आंसर्स कहाँ पूछे गए हैं, वर्तमान में। लेकिन मुझे जो डेटा दिया गया है, कोई इंडिविजुअल एज वेज का डेटा है नहीं, यहाँ पर इंडिविजुअल एज का कोई डेटा और नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमको दिया क्या गया, रेशोज दिए गए हैं, दो रेशो दिए गए हैं, एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में दिया गया है, एक पास्ट में दिया गया है, और उनके बिहाफ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक चीज कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर ले लूँ एस बराबर एक्स और एम बराबर 4x। ठीक है, अभी ये अगर मैंने यहाँ पर मान लिया कि भाई इनका रेशो यहाँ पर, अगर इसकी एज है यहाँ x और यहाँ पर कितनी है 4x, तो यहाँ से अगर मैं इसको लेके जाऊँगा कहाँ, फ्यूचर में, तो आप हमेशा देखो, अब यहाँ से मैं कहाँ आऊँगा, कहीं और डेटा है क्या मेरे पास, नहीं, 2028 में ही है। 2008 से 2028 पे आने के लिए सीता कितने साल आगे बढ़ेगी, 20 साल आगे बढ़ेगी। देखो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बहुत सिंपली हो रहा है, x प्लस 20। सीता की मदर की एज भी कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पर 20 साल बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कितना भाई, 2008 से 2028 में जाने में 20 साल लगेंगे। अब यहाँ हमको एक रेशो दिया गया है, भाई उन्हीं की एज का रेशो दिया है, नहीं दिया, बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल हमें यही दिया गया है। तो अब हम इसे आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं x प्लस 20, एस क्या है यहाँ पर, x प्लस 20, तो एस की जगह पर x प्लस 20 अपॉन 4x प्लस m की जगह मदर, और रेशो क्या हो जाता है, मतलब जो उनकी एज थी 2008 में x और 4x, अगर उनमें 20-20 साल बढ़ा दिए जाएं तो उनका रेशो क्या हो जा रहा है, 1:2। तो यहाँ पर आप अब कुछ नहीं करना है, 2x 40 4x प्लस 20, तो x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर आपका कितना आ गया 10। और आप देखो, आपने x कहाँ मानी थी, एज 2008 में, 2008 में सीता की एज कितनी थी x, और x बराबर कितना आया वहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप 10 ईयर्स, तो मदर कितनी हो जाएगी 4×10, मतलब 40 ईयर्स। अब आपको निकालना कहाँ था, 2018 में, 8 में अगर 10 साल की थी, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, 10 और 10 20, यहाँ पर 40 ईयर्स थी, 40 प्लस 10 50 years।
तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 20 इयर्स एंड 50 इयर्स. उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी? 20 इयर्स एंड 50 इयर्स. आई होप जो ये यूनिक कंसेप्ट है आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हमको यहाँ पर ईयर मार्किंग करके आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. अगर आप अदर जगह पर देखेंगे, अदर कंसेप्ट देखेंगे, देखो करना हमें वही चीज़ें हैं, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर बहुत आसानी से हम कंसेप्ट में ईयर्स को घटा बढ़ा सकते हैं, स्विच कर लेते हैं, कोई सोचना नहीं पड़ता. वहाँ पर क्या होता है, हमको जब नॉर्मल अगर हम करते हैं तो हम कहीं पर कुछ मेंशन नहीं करते, बस इतने साल माइनस कर दिया, अब इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है. तो आपको आसान और यूनिक मेथड है ये करने की. कहीं प्रॉब्लम स्टिल फेस कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है आपको. अब अगले क्वेश्चन पे मैं स्विच करता हूँ. जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है. यदि अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 ईयर्स है तो जयेश की आयु क्या है? आपसे क्या बोला गया है, जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है. तो अमित, जयेश और प्रशांत, जयेश अमित से उतना ही छोटा है, मतलब इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर, जितना वह किससे बड़ा है, प्रशांत से. तो देखो a माइनस j जो डिफरेंस आएगा वो बराबर होगा किसके, j माइनस p के. यही बोला है कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है, अमित और जो जयेश है वो अमित से उतना ही छोटा है जितना जयेश किससे बड़ा, प्रशांत से. मतलब उनकी एज डिफरेंस बराबर होगी, ठीक है. तो मतलब a माइनस j बराबर हो जाएगा j माइनस p के. यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, J को J साइड ले जाए, पी पी एक पी और A एक साइड ले लेता, तो यहाँ पर क्या हो गया 2J. मतलब मैंने जयेश की एज कितनी मानी थी J, और A क्या अमित और P मतलब प्रशांत. अब आपको एक डेटा गिवन है, क्या दिया है, अमित और प्रशांत की आयु का योग कितना है 48. तो भाई 2J बराबर 48, तो J बराबर 24. यस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, आपको बस अपना माइंड यूज़ करना था जो यहाँ पर था नॉर्मल. आपको क्या करना था, अपना ब्रेन को यूज़ करना था और नॉर्मली क्वेश्चन हो जाता. इस क्वेश्चन को मैं इसलिए आपके सामने लेके आया क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए, करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, कहाँ से डेटा लेना है. तो यहाँ पर आप इस डिफरेंस को बराबर कर दोगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यही आपको समझना है इसमें, ठीक है. चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नीलम और शान की स्कूल की आयु के बीच अनुपात 5:6 है, ठीक है. नीलम और शान की भाई स्कूल की आयु के बीच अनुपात क्या है, 5:6 है. यदि नीलम की एक तिहाई आयु और श्याम की आधी आयु के बीच अनुपात 5:9 है. यहां पर ये SH कर देते हैं शान, और आपका है एक SM मतलब श्याम. 1/3 ऑफ नीलम रेशो 1/2 ऑफ श्याम बराबर 5:9. मतलब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है, नीलम और शान की आयु के वर्तमान आयु के बीच स्कूल की आयु के बीच अनुपात 5:6 है. वहीं नीलम की एक तिहाई आयु और श्याम की हाफ एज मतलब आधी आयु के बीच अनुपात 5:9 हो, तो श्याम की स्कूल की आयु क्या है. हमें क्या निकालनी यहाँ पर, शान की स्कूल की आयु. मतलब हमारी सारी बातें हुई 2018 में, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, दोनों रेशो दिए हैं, चलो ठीक है. अब अगर मुझे एक रेशो दिया होता दूसरे ईयर में और एक दिया होता, मतलब आपको कुछ आगे दिया होता, दो रेशो दिए हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, या तो मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा आपके साथ कैसे करना है इस चीज़ को. लेकिन यहाँ पर ये समझो, या तो मुझे 2022-23 कुछ आगे दे देते या कुछ पीछे डेटा दे देते, और फिर उन्हें कंपैरिजन करने में आसानी होती. लेकिन एक ही ईयर में उन्हें कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, और जब रेशो भी किसका हो, दो अलग अलग लोगों का, दो अलग अलग लोगों का तो ईयर्स में भी नहीं हो सकता, डिफरेंट ईयर में दिया हो तो आगे पीछे भी नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमें कुछ और दिया है क्या, नीलम की एज दी है क्या, शान की एज दी है, शान की तो निकालनी, चलो श्याम की दी है क्या, श्याम की भी नहीं. और दूसरी बात भाई, ये स्कूल की एज क्या होती है, स्कूल की एज थोड़ी ना होती है, एज एज होती है नॉर्मल. इसमें मेंशन किया है स्कूल की एज, जो कि बहुत घुमाने वाली चीज थी. बच्चा सोचता है स्कूल की एज कुछ नहीं था, घुमाने के लिए था, वर्तमान एज की बात हो रही. तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास कोई और डेटा है क्या, हम कंपेयर कर पाए, क्या हमें नीलम की एज दी है, नहीं दी है. क्या हमें श्याम की एज दी है, नहीं दी है. क्या हमें नीलम और श्याम की एज का डिफरेंस दिया है, ना SN का दिया है
ना आपको SM दिया, प्लस भी नहीं दिया है, ना माइनस दिया, प्लस भी नहीं दिया, ये डेटा भी आपके पास नहीं है। तो अगर अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, ना आपको अगले ईयर्स का कुछ बारे में डिटेल दी, नहीं दिया, तो यहां पर आएगा आपका डेटा इनसफिशियंसी। ये क्या हो जाएगा आपका डेटा इनसफिशियंट, क्या मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं या नहीं बताया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कि नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपके लिए कराना जरूरी था क्योंकि इसमें कोई कुछ ऐसा दिया ही नहीं था जो हम सॉल्व कर पाते। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो हमें समझना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। एक व्यक्ति की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु का 3 गुना है। 5 वर्षों बाद पिता की आयु दोनों पुत्रों की कुल आयु का दुगना होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है, इसमें बोला गया है आपसे कि दो पुत्र हैं, मतलब पहले क्या होता था, दो लोगों का कंपैरिजन होता था, यहाँ पर 3 लोग हैं लेकिन 2 लोग एक यूनिट का काम कर रहे हैं, मतलब उसके जो दोनों सन हैं उनके बारे में और कोई डिटेल नहीं दी, उनको उनका सम दिया हुआ है, मतलब उनका टोटल दिया हुआ है आपको। तो आपसे यही कंपैरिजन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपसे बात की गई वो देखेंगे हम 2018 में, मतलब एट प्रेजेंट की जब बात करते हैं, हमने माना सबसे पहले तो उसके जो 2 बेटे हैं, ठीक है, S1 और S2 सन हो गए 2, उनकी जो एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स है। तो फादर की कितनी हो जाएगी, 3 गुना थी वर्तमान में, 3x। 5 वर्ष बाद 2013 उन दोनों की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, यहां पर S1 + S2 को x + 5, फादर क्या हो जाएगा, 3x + 5। लेकिन जो रेशो है इनका अगर देखा जाए तो रेशो जो दिया हुआ है आपका वो क्या हो जाता है, S1 + S2 / F इक्वल कितना हो गया, 1:2, मतलब कितना हो जाता है, दुगनी हो जाती है, मतलब रेशो कितना हो जाता है, 1:2। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु दुगनी हो जाती है उसके दोनों पुत्रों की आयु का योग का। तो यहां पर हम सिंपली क्या लिख लेंगे, x + 5, 3, आपके पास दोनों डेटा है x + 5, ट्रांसफर x = 5 आ गया आपका। जब x = 5 आया तो आपसे पिता की आयु कब पूछी थी, वर्तमान आयु पूछी गई। यहां पर हमें क्या करना है, हम लोग देखेंगे S1 + S2 आपको क्या है, यहां पर हमने मान लिया दोनों पुत्रों की जो एज है उसका योग कितना है, x years, फादर की जो एज है वो कितनी है, 3x years एट प्रेजेंट, क्योंकि क्या दिया हुआ है, 3 गुना दिया है, मतलब ये जो रेशो दिया है हमको कितना दिया है, फादर और दोनों जो सन है उनकी एज में 1:3, जो रेशो हमको दिया गया था S1 + S2 / F वो कितना है आपका, 1:3। तो ये 1:3 यहाँ पर दिया था, इसमें से आपने जो इन दोनों की एज निकाली वो कितनी निकली, पुत्रों की आयु का योग x और फादर की कितनी निकली, 3x। अब जब मैं 5 साल बाद की बात करूंगा तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है हमेशा, यहाँ पर 5 साल बाद जरूर जाऊंगा मैं, लेकिन लोग कितने हैं यहाँ, तो इसकी भी 5 साल बढ़ेगी और इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, तो टोटल कितनी बढ़ेगी यहाँ, 10 साल। हमारे पास जो ये है, कई बार हम जल्दी में गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम पाँच साल आगे गए तो हम ये भूल गए ये 2 लोग थे, 2 पुत्र थे, तो कितनी आयु बढ़ती है यहाँ पर, 10 साल, क्योंकि दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी, तो टोटल कितना बढ़ेगा, x + 10 होता है यहाँ, लेकिन हम क्या कर देते हैं गलती में, x + 5। भाई फादर की तो 3x + 5 ही साल बढ़ेगी, क्योंकि वो इकलौती क्या है आपका, सिंगल एंटिटी, यहाँ पर 2 लोग थे तो उनकी 5-5 साल दोनों बढ़ी, तो कितना हो गया, x + 10। अब कुछ नहीं करना है, अब 5 साल बाद की जब बात करी गई थी तो सन की आयु का योग और फादर के बीच में जो रेशो था वो कितना था, 1:2, तो x + 10 / 3x + 5 बराबर कितना हो गया था, 1:2। अब इसके बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो यहाँ पर आपने आसानी से कर लिया, 3x - 2x = 20 - 15, तो x = कितना हो गया आपका, 15 आ गया, यहाँ से x = कितना आ गया, 15। x आपने क्या माना था भाई, दोनों सनों की एज का योग कितना हो गया यहाँ पर, 15। फादर की एज अगर आपसे पूछी जाए तो 3 × 15 कितना हो जाएगा आपका, 45। 20 में से -5 जाएगा तो आपका बचेगा 15। अब 15 को यहाँ पर पुट करोगे आप तो 15 ऑलरेडी S1 + S2 था, दोनों सनों की आयु का योग तो कितना था, 15 साल। जब फादर की बात की जाएगी तो 3 × 15
18, तो आपका कितना हो जाएगा परसेंटेज 45 इयर्स. तो आपका जो आंसर होगा, आपको कहाँ निकालना था प्रेजेंट में, जो कि हो गया आपका 45 इयर्स. अगर आपसे पूछा जाता सन्स के बारे में तो वो कितना हो जाती 15 साल. और अगर हम निकालना चाहें 2013 में तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 5 साल और बढ़ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 50 इयर्स. और यहाँ पर अगर आप देखोगे S1 प्लस S2 दोनों की एज टोटल करेंगे तो यहाँ पर 15 और 10 कितना होगा 25. ये भी पूछा जा सकता था कि 5 साल बाद दोनों जो आपके दिख रहे हैं, दोनों जो ये सन है, इनकी एज क्या होगी, तो वो कितनी होती 10 साल बढ़ती, मतलब 15 प्लस 10 तो यहाँ पर कितना जाता 25. तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. आने वाले लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं. आज के लिए मैं इतना ही आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आने वाले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और काफ़ी कुछ आपस में शेयर करेंगे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.